नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। क्या आप भी सुबह उठकर के बेड टी लेते हैं, यानी कि अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफ़ी के साथ करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये सुबह की बेड टी आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जब हम सुबह सोकर के उठते हैं तब सबसे पहली चीज़ जो हमें अपने भीतर डालनी चाहिए वो होनी चाहिए कुछ हेल्दी चीज़। लेकिन ऐसे में आप कैफ़ीन या चाय अगर अपने अंदर डाल रहे हैं तो आप जानते हैं इसके क्या क्या नुकसान हैं। ये आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिसरप्ट करता है, आपके शरीर को डिहाइड्रेट करता है, ये आपके शरीर में ब्लोटिंग भी करता है, और इसके साथ साथ शरीर को तो ये खराब कर ही रहा है, आपके मन यानी मानसिक सेहत को भी अफेक्ट करता है। उठ करके खाली पेट चाय या कॉफ़ी पीना आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आचार्य जी, अगर चाय या कॉफ़ी नहीं पिए तो सुबह उठ करके क्या लें? आयुर्वेद में कहा गया कि गुनगुना पानी और उसमें चुटकी भर हल्दी आप डाल लीजिए। हल्दी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अगर आप इस हल्दी वाटर से, टर्मरिक वाटर से अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहते हैं। अगर टर्मरिक वाटर नहीं लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ गुनगुने पानी से भी अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर फ्रेश जूस या फिर कोई भी एक फ्रूट खा करके भी आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। जिन लोगों को नींबू पानी सूट करता है वो नींबू पानी से अगर अपने दिन की शुरुआत करें तो उनकी त्वचा भी दमकती रहेगी, उनकी स्किन ग्लो करेगी और उनको गैस्ट्रिक एसिडिटी की प्रॉब्लम भी कभी नहीं होगी। ये छोटे छोटे से बदलाव आपके जीवन में बहुत कुछ बदल सकते हैं। छोटी छोटी आदतों को यदि हम बदल दें तो हम रहेंगे स्वस्थ, मस्त, व्यस्त और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त। कल का एपिसोड जरूर देखिएगा।